अर्चना जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक से बढ़ के एक कलाकार दिए हैं और किसी ने अपने स्टाइल से हमें इंप्रेस किया, किसी ने अपनी अदाओं से, किसी की डायलॉग डिलीवरी के हम दीवाने हो गए, तो किसी के डांस मूव्स के, और किसी की कॉमिक टाइमिंग देख के हम हंस हंस के लोटपोट हो गए, किसी का एक्शन देख के. लेकिन जब ये सारी चीजें किसी एक ही कलाकार के अंदर हो, वो फिर कहलाता है एंटरटेनर नंबर वन. तो ये वो विरले कलाकार होते हैं जो अकेले ऑडियंस को हर तरह से एंटरटेन करने का मादा रखते हैं. आज हमारे मेहमान एक ऐसे सुपरस्टार एंटरटेनर हैं जिनके हम सब डाई हार्ड फैन हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के बादशाह, द सुप्रीमली वर्सटाइल एंड गिफ्टेड एक्टर, मिस्टर गोविंदा. वाओ, क्या बात है सर. वी लव यू सर. लव यू टू. मतलब आप जब भी आते हैं स्टार्टिंग ही ऐसी होती है जैसे ग्रैंड फिनाले है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा. सर, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. अच्छा, त्योहारों के मौसम में हम जब सजावट करते हैं तो लाइटों से हमारा सेट इतना नहीं चमक रहा जितना चमकता है आपके आ जाने से. आपके आ जाने से, आपके आ जाने से हर किसी के खुशी ऐसे चरमरा के उठती है ना सर, क्या बताएं, आपका और ही ऐसा है. थैंक यू सो मच. पहले तो दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और कपिल की तरफ से काफी टाइम ऐसा हुआ कि बहुत तारीफ आई पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये तारीफ दिल से निकली है. क्यों पहली बार क्यों? मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि मैं जिस वक्त देख रहा था कि ये गर्ल्स आती हैं जिस वक्त यहाँ पे तो ऐसी दिल से तारीफ निकलती है. सही बोला. हीरो लोग के लिए शायद ही. नहीं नहीं सर, दिल से आप ही के लिए निकली है. उनको मैं थोड़ा दिमाग से सोच के बोलता हूँ कि कौन सी बात से खुश होंगी, फिर ऐसा चेप देते हैं हम भी. मुझे तो लगता है लड़की आती है इसका दिमाग बंद हो जाता है. होता है पसी वैसे कभी कभी ना. हाँ, पर सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, फिट लग रहे हो पूरे. लॉकडाउन में जिम विम किया कि जो जो मैडम ने किया बोला वो किया आपने और पतले हो गए? अरे यार, फिगर ऐसी लग गई थी कि बहुत सारे लोग जो कभी पतले नहीं हो रहे थे वो भी पतले हो गए. दो तरह के हुए सर, एक तो बिल्कुल पतले हो गए पूरा, उन्होंने फायदा उठाया, बाकी कई फैल भी गए हैं पूरे. हाँ, मेरे एक दो दोस्त हैं उनकी नाभि पूरी फ्लोर फेसिंग हो गई. अच्छा, ऐसे बढ़ के ना पेट तो वैसे हो गए हैं. ओहो, हाँ तो ऐसे भी हैं लोग. वो खाते पीते परिवार के होंगे. हाँ, खाते पीते कह लो या सोते खाते पीते वाले. But Kapil, you know why Govinda is looking even better today? क्यों? Because his outfit has been designed by Tina. इनकी बेटी ने इनकी outfit designed. जी जी, मैं बहुत wow. टीना का बहुत बहुत मैं तारीफ किया करता हूँ कि जो पर्सनालिटी मेरी लग रही है, जो मैं हूँ, जो तैयार हुआ हूँ. क्या है तारीफ की असली वजह कि ऊपर वाले ने ऐसा कर्म किया हुआ है, ये जो गाना चल रहा था जिसपे आप लोग तालियां बजा रहे थे, जिसपे आप तारीफ कर रहे हैं, ये गाना आज से 21 साल पहले किया गया था. वाह. और 21 साल बाद ये गाना वैसे ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. बिल्कुल, वही तारीफ हो रही है, हम कर पा रहे हैं. जैसे आपके दोस्त का हाल हुआ था ऐसा हमारा हुआ नहीं. हो सकता था लेकिन हुआ मतलब नहीं. हाँ, हो सकता था. मतलब लगभग चल हट भाग. मतलब निकल चुकी थी मेरी जी. अच्छा, हाँ डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिखता था. कृपया गलत ना सोचे पर हाल ऐसा हो गया था. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऊपर वाले ने ये बरकरार किया हुआ है और काम वही है. और जैसे कि ये कह रहे थे कि तारीफ और ये जो काम और ये जो शोहरत, ये नाम, ये इज्जत, ये है जो जगह है उसका तो सदैव शुक्रिया अदा करते रहे, ऊपर वाले ने दिया हुआ है. परंतु ये जो हम टिके हुए हैं, ये मतलब आदमी वही है जो स्वस्थ है, सुंदर है और टिकाऊ है. बिल्कुल. बिकाऊ कितना है बिकाऊ कि नहीं बिकाऊ है वो बिजनेस का डिस्कस है. पर हम लोग हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है. वी लव यू सर. और इस तारीफ में बहुत कमाल का मैं कहूंगा कि हिस्सा जो है ये आप लोगों ने जो ये शो किया हुआ है. अच्छा. ये वो है, ये इतना हंसाता है, इतना मस्त लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि गोविंदा जो है ये बरकरार है, ये हम लोग से शुरू हुआ था और कपिल ने इसे बरकरार क्या हुआ है. बहुत वेरी गुड यार, टू गुड. लव यू सर, लव यू सर.
आप हंसती हो तो ऐसा लगता है कि दिल खुश हो जाता है, दिल से निकलती है ऐसी। थैंक यू, लव यू। यही चाहिए। बहुत तारीफ कर दिए तो चेक बढ़ा देना। नहीं पर सच्ची में आपने जैसे कहा अर्चना जी जब हंसती है ना तो इनके 7 करोड़ों लोग हंसते हैं, एक आध हैं जिनको गुस्सा आता है पर चलो चलता है, है? वो खैर छोड़िए सर, आइए। अच्छा आइए सर। नहीं ना, ये लोग है ना सीधे लोग के साथ ना क्या क्या करते देखिए। बिल्कुल सही। पर सर माहौल बन जाता है आप जब भी आते, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। ओह सर, हमने अभी आपका हाल ही में एक नया एड देखा, क्या कमाल का आप डांस कर रहे हैं। पर सर कभी एक पूछना था कि कभी कोई ऐसा एड का ऑफर आया आपको कि जिसके पैसे भी अच्छे मिल रहे हो लेकिन फिर भी आपने मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना या ये प्रोडक्ट नहीं करना? ऐसे बहुत से काम हैं जो आए और मुझे ऐसा लगा कि ये काम सिर्फ काम नहीं है, इस काम में पता नहीं ये क्या क्या काम कर रहे हैं। हाँ मतलब उस टाइप की एड आई गई थी जो लाइफ में एड हो जाए तो बीबी बाहर निकाल दे। हाँ। चल बाहर निकल, ये क्या क्या ऐड कर रहा है तू। अच्छा पर ना ये जो ऐड मैंने गोविंदा सर की बात कर रहा हूँ ये ना एक सीरीज बनाई उन्होंने। हाँ। लेकिन उस जो ऐड खत्म होती है उसके बाद अब एक डायलॉग बोलते हैं इसका नंबर निकाल रहे, वो सर आपने इम्प्रोवाइज किया था ना? हाँ वो दिख रहा है। क्योंकि हमें पता है गोविंदा सर अपनी फिल्मों में तो अपने डायलॉग्स जो हैं इम्प्रोवाइज करते ही हैं। सर बहुत सारे आपके साथी कलाकार आते हैं जो ये बताते रहते हैं कि आप उनको भी लाइंस जो हैं सजेस्ट करते रहते हो, आपको मजा आता है कि आप अलग से चार्ज करते हैं इसका? दुख है कि इसके पैसे नहीं मिलते ना। मेरा ऐसा सोचना है कि काम कैसा मिला ये सब्जेक्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करें, जो मिला है वो अच्छा कैसे हो जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली, इस पे पुनः पुनः विचार करें। क्या बात, जैसे कपिल की प्लानिंग नहीं होती है, मैं देखा है इसके वही के वही निकलते हैं तेरे। मतलब हाँ कुछ प्लानिंग भी होती है। मैंने पहले भी कहा था कि आप मेल नहीं होते तो फीमेल होते। मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी उन लोगों की होती है। ओह अच्छा, हमने फिल्मों में डबल रोल देखे, ट्रिपल रोल देखे, ट्रिपल भी देखे, पंच पिपल भी देखे, पांच लोगों पांच वाला रोल क्या आप बोलते हैं। लेकिन हद कर दी आपने, मैं गोविंदा सर ने 6 रोल किए लेकिन हमने एक और बात सुनी कि उसमें उससे भी ज्यादा थे सर। 14 थे। 14 रोल। हाँ 14 थे। फिर वो करते 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 कि भैया ये टू मच लग रहा है यार, जितेंद्र जी ने मुझे फोन किया, चीची चीची मैं तुझसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा मैं एक भी ढंग से नहीं करता, तुम इतने तो कैसे करते हो? काम की बहुत तारीफ हुई जा रही है तो मैंने सोचा जीतू जी जो फिल्म लगे काम की तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं से फोन आ ही जाता है, तो पूछा मैंने उनको, तो खैर वो ऐसा जवाब दे रहे थे उस टाइम पे कि अभी फिलहाल इस शो पे डिस्कस नहीं होगा। अच्छा। हाँ बहुत 3-4 के बाद में उन्होंने फोन लगाया था। पर ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीनियर आई हैव, मतलब मुझे सीनियर तो सब अच्छे हैं पर उनका प्यार अलग ही है। बिल्कुल, वो तो डांटते में तो लगता है प्यार ही कर रहे हैं। एक फिल्म में मैंने देखा किसी को डांट रहे थे, सुनीता विजय, अरे तो मैं तो मैं कह रहा यार डांट रहे। वैसे इसमें से सुनीता तो डांटती ही रहती है। ये प्लान था ना। अच्छा सर, जैसे आपकी कॉमेडी टाइमिंग के हम सब तो फैन हैं, पूरी दुनिया फैन है, ऐसे कौन से पहले एक्टर थे जिनको देख के आप इंस्पायर हुए कि यार इनकी कॉमेडी एक्टिंग जो है टाइमिंग बड़ी कमाल की है? आदरणीय दिलीप साहब। वाह, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, एज अ ट्रेजेडी किंग, एज एन कॉमेडी, इवन मतलब वो डांसर कभी नहीं कहलाए पर जो गीत म्यूजिक डायरेक्टर ने जैसे सोचा है और उस पर म्यूजिक जैसे पिरोया गया है और जैसा वो गाना है वो बिल्कुल उसके मुताबिक उनका डांस होता था। वाह, मतलब शायद ही ऐसा आर्टिस्ट अब शायद फिल्म लाइन में, मतलब के मतलब मैं तो वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई डांस में कॉपी करनी है तो वो बाकायदा जो लफ्ज़ और जो अल्फाज लिखे गए हैं उसके मुताबिक जो गाना चल रहा है वैसे ही डांस हो, तो वो अलग लगता नहीं हो, ऐसा नहीं लगता नहीं फिल्म अलग चल रही है डांस अलग चल रहा है गाना, वो एकदम उनका ऐसा लगता था कि एकदम, और ऐसे गहरे सूफी थे
वो सूफी जो है मैंने हासिल किया वहां से मेरी अपनी औकात में, क्योंकि उस हद में हम लोग नहीं पहुंच पाते. इट्स टू गुड. वाह क्या बात. और एंड शमी अंकल, शमी कपूर जी ने भी वैसे ही डांस किया. मेरी मम्मी ने कहा मुझसे कि गोविंद डांसर वो बेस्ट होता है जिसे जो जो समा में बंध जाए वो डांसर नहीं है, जो समा बांध दे वो डांसर है. क्या तो जो समा मिला है, जो जैसा है, जो जैसा गीत है, जहाँ जो गाना चल रहा है, ऐसा लगे कि यार ये तो समा बंध गया है यार, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हिले. कभी कभी किसी को से ऐसा लगता था गाना चल रहा है और तब तक उनकी काफ़ी देर तक उनकी सांस ठहरी हुई अच्छा था ये ऐसा होता तारीफ. तो ये तारीफ जो है ये तब निकलती है दिल से जिस वक्त समा बांध देता. वैसे चीजी जब तुम भी ऐसे डांस करते थे पर्दे पर तो हम भी ऐसे सांस रोक कर बैठे देखते थे. इट वॉज समा मानते थे तुम और हम देखते रह जाते. धन्यवाद सर. आपने इतने सारे अपने को स्टार्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ, आपको पर्सनली किस एक्टर के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है, कि जिनको लगता है कि यार हाँ मेरी इनके साथ बड़ी जमती भी है, और वो सब होता ना कि यार एक फेवरेट होते हैं. आप मेरी जितनी फिल्में उठा के देख लेंगे ना, ये आपको ऐसा लगेगा इस को स्टार के साथ जैसे कि ऐसे इनके साथ मेरे रिश्ते हों कि हम साथ पैदा हुए हैं, साथ पले हैं, साथ स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, पर शायद उससे पहले हम कभी मिले भी नहीं थे. और फिल्में होगी उसके बाद भी नहीं मिले. पर माहौल मैंने ऐसा क्रिएट कर रखा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे ये कह दिया था कि चिची देख हम लोग बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं, ये काम मिल गया है. मेरी मम्मी ना क्लासिकल आर्टिस्ट थी, तो क्लासिकल जिस वक्त गाने चलते थे तो स्टेज पे बहुत बहुत देर तक लोग ना सुर मिलाते रहते थे आपस में, टांग 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 टांग, ट्यूनिंग होती रहती है, ये चलता रहता था ना, पहले बहुत चलता रहता था. तो हम छोटे थे, हम सोचते कब गाना गाएंगे यार. तो तमीज से रहो, बहुत टॉप के आर्टिस्ट है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम, कब गाएंगे. तो ये हाल हुआ करता था. तो फिर मुझे ये पता लगा कि ये जो ये माहौल तैयार किया जाता है, इन्हें आप कैसे सजाते हैं और कैसे तैयार करते हैं, और फिर उस माहौल में अच्छा काम हो पाता है. तो जो आर्टिस्ट हो, जो चाहे मुझे जो कह दे, एज अ सीनियर डांट लगा देते थे, क्योंकि आपको तो पता है मैं बहुत टाइम पे आया करता था. बिल्कुल. मतलब इतना पर टाइम का पक्का था मैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो है बहुत सारा काम वाम करके आ जाते थे. अच्छा. आया. हाँ. अब पिक्चरें मैंने इतनी कर ली थी. पर आप एक एक मतलब एक एक दिन में तीन तीन चार चार पिक्चरें शिफ्ट कर रहे हैं. तीन चार से ज्यादा. तो फिर ऑब्वियसली आपका भी कसूर नहीं था. हाँ बेशक. मुझे तो दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया. मतलब किसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तो मुझे बुलवाया गया शाम में कि भाई तुम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो तुम तो यंग हो, जवान हो, अभी तो इतनी छोटी सी एज में तुम इतनी टाइम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो. तो मैं कहा सर मैं 15 दिन से काम कर रहा था, फिर कहीं 16 दिन कर रहा था. तो अच्छा तो फिर तुम तो बर्बाद हो जाओगे इस तरह से काम करोगे तो. हाँ. तो 25 फिल्में छोड़ दो. तो मैं तो कहा सर जो पैसे के लिए थे फिल्म के वो तो मैं खा गया. तो तुम्हें किसी से मिलाता हूँ उनके पास से, तुम उधार ले लो. हाँ. पर ये फिल्में छोड़ दो. तो 25 फिल्में वो छुड़वा दी. Really? मैं जिंदा रह गया उस वजह से. वाह. अदरवाइज मैं अगर वो मैंने पिक्चरें कर ली होती वो शुरुआत में ग्रैंड फिनाले हो गया होता. अच्छा कई बार ना फैंस जो होते हैं, जो डाई हार्ड फैंस हैं, जैसे मैं गोविंदा सर का फैन हूँ और मैंने एक बार कॉलेज से भाग के बैक टू बैक आपकी 2 फिल्में देखी थी. मतलब होता है कि यार मैं हमेशा जब आपको मिलता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यार मेरे सामने खड़े हो आप. हाँ. तो ऐसा कभी होता ना कि एयरपोर्ट पे आप कभी चले जाओ तो वॉशरूम आप जा रहे हो तो फैन मिल जाते, तो वो कभी वो इतना नहीं सोच रहे होते कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे. वो एकदम से कैमरा निकाल लेते हैं सर एक सेल्फी हो जाए. ये भी नहीं देखते कि सामने वाले का ग्रैंड फिनाले हुआ पूरा कि नहीं अभी. तो बीच में वो हो जाता है. सर आपको कभी कोई ऐसा दीवाना या दीवानी कोई फैन मिला है जिसको हाँ. देख के आपको लगा हो कि यार ये मेरा फैन ही है कि किसी ने बदला लेने के लिए मेरे पीछे छोड़ा हुआ है. बहुत ज्यादा प्यार हो तो लोग जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते कि इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है आदमी. शुरुआत में ऐसा हुआ था. मम्मी ने कहा कि चीची ये सब काम वाम करते रहते हैं तो साफ सुथरे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं से आ गए हैं. तो जरा क्लीन हो व्यक्ति जो काम कर रहा है यहाँ पे अच्छा लगेगा. जी. तो मैं कहा कि अच्छा तो मैं बाहर निकला तो बाहर मैंने लड़की देखी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी. तो मैंने कहा कि आप कर लीजिए काम, मम्मी से पूछ लेना आपके. तो काम पे रखवा लिया उन्हें. तो काम पे रखवा लिया तो काफ़ी टाइम काम करती रही वो, बहुत थकने लग गई. दोपहर में ही वो थकने लग गई तो मम्मी को ऐसा लगा कि क्या है. फिर उसने सुनीता को किसी दिन देख लिया साथ में.
तो फोन लगाया अपने बाप को कि इनकी तो शादी हो चुकी है. काफी घर परिवार से गाड़ियां वाड़ियां लेके आ गए सब, और पता लगा अच्छे घर परिवार की है, फैन है. अच्छा वैसे ही काम करती रही? हाँ, काम करती रही. कितना टाइम तक काम करती रही? बहुत. सुनीता रोका करती थी उसको, ए पाँव नहीं दबा सकती. सुनीता शर्मा कह रही चलो सर. ये नहीं चलेगा. ये लो चाल में दादा वाला. हाँ जी. पर वाकई जो फैन होते हैं वो फिर किसी भी हद तक जाते हैं, आपको प्यार करते हैं. हाँ जाते हैं. जैसे सर हम आपको डांस करते हुए देखते हैं सर, तो हमें ये नहीं लगता अब इतने सालों बाद कि आपको डांस आता है. हमें ऐसा लगता है कि डांस को गोविंदा आता है. मतलब इतनी छोटी छोटी ऐसी जो चीजें करते हैं जो अपने स्टाइल में, तो मजा आ जाता है. पर हमने ये एक आपके बारे में चीज सुनी है कि एक बार कोई रोमांटिक सीन करते हुए आपके भी हाथ पैर फूल गए थे. फूल गए थे? मुझसे होता ही नहीं था रोमांस. क्यों? किया ही नहीं था. मैं अपनी मम्मी का बोलते हैं ना, साधु साधु बच्चे होते जो घर परिवार में, ऐसा लगता है कि जैसे गाय बच्चा. हाँ गाय. मतलब मैं शुरू तो सांड ही हुआ था. तो पंजाबी हुए. तो छोटी एज में ऐसा निकला तो मम्मी घबरा गई कि ये तो हाथ से निकल जाएगा. ये विरार का तो पूरा माहौल ही ऐसा हुआ करता था. अच्छा. कई टाइम ऐसा हो गया, कई तड़ीपार लोग होते थे जो मुंबई से तड़ीपार कर दिए जाते थे. वो विरार में काफी काफी केसेस उनपे होते थे. अच्छा. और शहर से निकाले जाते थे और हम लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार कर देते थे. क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो थिएटर बगल में था. और वो अपना सामने वॉशरूम के लिए खड़े हो जाते थे, हम उनको डांटते थे ये चलो आगे से निकलो. तो वो ए चल रे तेरी तो. कहा नहीं कि फिर हम तो निकाल के पंजाबी पने पे आ जाता था मैं पूरा. हाँ तो मैं 13 एज में मैं स्टार्ट हो गया था. और जैसे वो निकलता था और वो कहता था कि देख लूँगा मैं तुझे, ऐसा कर लूँगा, चल आए चल हवा दे, ऐसे कहते थे. पता लगता था इस आदमी ने इतने केसेस किए हुए, इतने इतने मर्डर किए हुए. तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ किधर से कौन क्या आया हुआ है, क्या है क्या नहीं. बट मम्मी सही रास्ते पर लगा दिया. मम्मी ने कहा कि चिच्ची ये गायत्री माला है, गायत्री माला किया करो. और 3 घंटा में जो है, मैं तो उसमें भी मम्मी के साथ में चीटिंग करता था, मतलब शायद ही ईमानदार हुआ करता था. तो मैं बेईमानी के साथ में शुरू करते करते कि भैया ऐसी मम्मी खुश करने के लिए पूजा शुरू करूं, पर वो मेरी बीमारियां निकल गई. मैं अच्छा लग रहा था तो लोग तारीफ कर रहे थे कि ये तो हीरो लग रहा है. और ऐसा होते होते मैं इस कदर अपनी मम्मी से इम्प्रेस हुआ कि मैं चेला हो गया, मम्माज बॉय हो गया. वाओ. तो टिल द एंड ऑफ माय लाइफ आई एम अ मम्माज बॉय. आई फील सो नाइस अबाउट हर. और फिर मैं थकता ही नहीं था, साइकिल नहीं चला सकता था, ट्रेन में लटकने का सवाल ही नहीं उठता. मतलब ट्रेन में तो ऐसे होता था कि मैं जिस वक्त ट्रेन में खड़ा होता था तो ऐसे पकड़ पकड़, तो अगले को लगता था मजाक कर रहा है. मैं कहता था अरे पकड़ पकड़, मैं गिरने से पहले पकड़ लेते थे. तो ऐसा कई टाइम हुआ मुझसे. तो आई गॉट सेव्ड. अच्छा. तो मैं इतना ज़्यादा मम्मी से अपने वो हो गया कि जो वो कहते फिर वही होता था. और उसमें फिर लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ये गोविंदा हो जाएगा, ये रोमांस करेगा. और लड़कियों से मैं जल्दी से मिलता नहीं था, मुझे डर लगता था मेरी आवाज़ जो है वो कांपने लग जाती थी. तो लोग तो सोच ही नहीं सकते थे ये हीरो हो जाएगा. ऐसे में मेरा ना फर्स्ट टाइम मैं रोमांटिक सीन शुरू हुआ खुशबू के साथ, पहली पिक्चर में अपना. और शुरू हुआ तो मैं कांप रहा था ऐसे ऐसे बस. और ए तेरी बहन है क्या रे? राजलक्ष्मी इधर आ. राजलक्ष्मी जी आई तो राजलक्ष्मी जा गोविंदा को जाके रोमांस करना सिखा. तो मैंने सोचा कैसे सिखाएंगे, तो समुन्द्र में लेगी मुझे. तो मुझे समुन्द्र में अंदर खड़ा कर दिया किनारे में पानी में. चिची वहां से आओ, आओ आके गले लग जाओ. तो मैं आया आगे, आगे खड़ा हो गया. अबे इडियट, गले लगना है, गले लग. तो मैंने कहा राजलक्ष्मी जी ऐसा नहीं है पिक्चर में, ऐसा पिक्चर में है नहीं. अरे पर तुझे तो समझाऊंगी ना मैं. तो वो कर्नाटक की थी. तो मैं कहा ये थोड़ा नाटक ज्यादा ही हो गया. परंतु ऐसा मुझे वो तैयार किया राजलक्ष्मी जी ने कि उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा. जिस सेट पे गया हूं मैं ऐसी मैंने सेटिंग की है.
I'm sorry, Srita देखने वाली होगी ये. हाँ, अभी घर जाकर बहुत पढ़ने वाली है. वो परवाह नहीं करती है. नहीं? वो नहीं करूँ तो कहती है. Actually, जब सुनीता मैं पिछली बार साथ में आई थी तो कहती मैं तो खुद कहती थी जाओ एक दो फेर करो फिर हीरो किस काम के अगर एक दो फेर ही नहीं हुए. है वो वैसी सच है वो ऐसी वैसी है वो. ये गाना जो मैं गा रहा था ये जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इस सॉन्ग में कि कहीं मैंने अगर इस लड़ाई दिया तो सुनीता कैसी है वो सच में पता लगेगा लोगों को. उसमें आप शर्माओं का भरोसा नहीं है. आप लोग कब ससुराल पक्ष के हो जाओगे पता नहीं चलेगा. मैं सर जेनरली मैंने ये पूछने वाला था आपसे कि जैसे उस दिन सुनीता मैम ने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि ये है ना खुल जाए थोड़ा. ये जब ये बीवियाँ ऐसा बोलती हैं तो क्या वो सच में दिल से बोल रही होती हैं कि वो चेक करती हैं कि ढील दे के देखते हैं कहाँ तक जाता है. मैंने भी शुरू में ऐसे ही सोचा. मुझे ऐसा लगा कि अपनी चांस मारने के चक्कर में तो कहीं ऐसा नहीं मुझे फ्री कर रही है. तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं ये तो वाकई वैसी है तो बैंड राइट गर्ल है. शी इज अ बैंड राइट. सुनता भाई वैसी है और शी चेंज्ड हर सेल्फ फॉर मी कि मुझे मिल जाए शरीफ आदमी है तो अच्छा है. बहुत प्रेम हो गया साथ में. मैं उधर ना सर हमारे वहाँ पे बैक रोड पे ना लोग जॉगिंग करने आते बड़े. अब मैं और गिनी जा रहे थे तो गिनी गाड़ी में आगे बैठी हुई थी मैं पीछे बैठा हुआ था. मेरे को सडनली कहती लेफ्ट लेफ्ट देखो लेफ्ट. मैंने देखा तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की दौड़ते हुए जा रही थी. मैं कहा क्या था. कहती नहीं मैंने कहा मिस ना हो जाए कुछ नहीं आप. जिस दिन मिस नहीं करेगा ना तो वो गिन्नी कितना गिनाएगी तो सोच नहीं सकता. और मैंने कहा यार गिन्नी क्या मतलब तेरा. कहती नहीं नहीं वैसे ही माइक टेस्टिंग कर रही थी. हाँ. तो मेरे को अच्छा लगा उसका ये जेस्चर. तो आप ये बता रहे हो कि अपने रास्ते खोल रहे हो. अच्छा बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो बात को बोल के एक्सप्रेस करते हैं कई बार लेकिन गोविंदा सर आंखों से कर देते हैं. तो सर हम अपना पूरा आज के क्या करते हैं जो भी गेस्ट आते हैं हमारे तो हम पूरा इंटरनेट पे उनके पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं. तो उन्होंने कुछ आपके लिए एक्सप्रेशंस भेजे हैं तो वो चाहते हैं कि हम आपसे ज़रूर पूछें वो कि आप चीची सर को ये बताइएगा कि ये सिचुएशन है और आपने अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से उसको हैंडल करना है कैसे. मंच पे आके थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं जा रहे हैं चलते चलते और एकदम से आपको कोई ऐसा बंदा सामने आ गया जिससे आपको बचना है. ओहो यार ये कहाँ से आ गया. अरे ऐसा तो बहुत टाइम हुआ है. तो ऐसा लगता था कि यार ये बहुत खतरनाक है इसी बदतमीजी तो कर नहीं सकते किसी भी हिसाब में. तो और साथ में निकले भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे महत्व भी देना है और एट द सेम टाइम उसे ऐसा भी ना लगे कि ये अवॉइड कर रहा है. तो हम लोग आ जाते हैं. अच्छा आपको कोई बड़े प्यार से मिला गया. अरे चिची सर. और आपको इतने प्यार से मिला कि आपको आप बताना नहीं चाहते उसको कि भाई मेरे को याद नहीं आ रहा था कौन है कहाँ मिला वहाँ. हाँ तो फिर ऐसा कोई आदमी सामने आ जाए. नहीं मेरे साथ ना इसका अपोजिट हुआ ना. हुआ क्या कि बहुत एक महाशय मुझे मिले बहुत प्रेम से और क्या हाल है ना. मुझे लगा यार ये थोड़ा आदमी कमाल लग रहा है ये थोड़ा सा प्रेम से मिल रहे हैं तो मिल लें. तो हाँ क्या हाल है कैसे आप क्या हाल है अच्छे हैं बच्चे. टाइम भी नहीं था मुझसे डिस्कस करें. मैं कहा ये क्या आइटम था यार ये क्या सीएम थे. क्षमा प्रार्थना है. अच्छा आप कहीं जा रहे हैं पत्नी साथ में है और सामने कोई खूबसूरत लड़की और जा रही है और आपने उनको देख लिया. सडनली आपने रियलाइज किया कि मेरी पत्नी मुझे देख रही है. अब सिचुएशन को कैसे संभालना है. क्या है ये कैसी है. कैसी है. हाँ फिर बाद में पीछे भी देख लेते मुड़के. कैसी थी ना ये. आप उसे ऑरा कह रहे थे ना. ऑरा. हाँ ऑरे वाली बात. ऑरा बहुत क्लीन ऑरा है. जी जी जी. अपना गाना चल रहा है मॉरिशस में. आदरणीय अमिताभ बच्चन जी समझा रहे हैं. पूरा यूनिट क्या कह रहे हैं वो देख रहा है और समझा रहे हैं. और सब लोगों की जो देख रहे हैं वो लोग की सांसें अचानक ऐसी हो गई और ऐसे हो गए सब.
तो मैं कहा यार अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं और आप लोग इधर उधर क्या हो क्या रहा है तो पीछे मुड़ के हम लोगों ने देखा तो जा रही थी कोई मोहतरमा हाँ तो अमिताभ बच्चन जी के मुंह से निकला ये 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 औरा है औरा जो है ये औरा अच्छा कोई स्पेशल ओकेजन पे पत्नी ने कोई चीज बनाई आपके लिए आपने थोड़ा सा चखा और आपको टेस्टी नहीं लगी मैं तो कह देता कि व्रत नहीं होता तो खा लेता गुड वन क्या बात है सर थैंक यू सर थैंक यू गोविंदा जी आज तो हम धन्य हो गए सर आपको अपने सामने इस तरह देख के सर आज थोड़ा सर माहौल बनाने के लिए थोड़ा दोस्त बोस्त लेके आए हैं आ जाओ इधर आओ हाँ, हाँ, सर ये टिल्लू है ये पिल्लू है गलत बोल दिया भैया मैं पिल्लू हूँ ये टिल्लू सॉरी माय बैड गलती हुआ ये टिल्लू है ये पिल्लू है अरे बच्चा भैया वही रिपीट कर दिया आप अरे अपना जगह बदलो यार फिर हमको टिल्लू यहाँ चाहिए हाँ भैया ये टिल्लू है हाँ टिल्लू हाँ सर तो ये टिल्लू है ये पिल्लू है हमारे दोस्त है सर सोचा कि डांस वांस का थोड़ा माहौल बनाएंगे आप आए तो बनता है सर मतलब गाने बजाने का माहौल बनाने के लिए दोस्तों को बुला लिया तुमने हाँ सर क्योंकि हमारे दोस्त जो है ना वो गा बजा पाते हैं बाकी कुछ लोग हैं जिनके दोस्त ना बजा पाते हैं ना गा पाते हैं ना जाने क्यों आते हैं आज चीची जी आए दादा चूचू चाचा नहीं चाहिए हमको आए बात समझ में सर सच बताया आपको आप आते हैं ना सर अंदर से डांस का उबाल आता है सर एसिडिटी होगी तेरे को और सर ठुमके कैसे बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता ठुमके तो ऐसे कह रहे हो जैसे गैस निकलती हो और जो बाहर निकल रहे हैं वो ठुमके नहीं होते लिप्स होता है ना लिप्स उसके जैसा सिमिलर कोई शब्द होता है यू मीन हिप्स बोल दो ना यार ऐसा क्या शर्मा क्या रहे हो यार हमारे हिप्स हम नहीं शर्मा रहे आप क्यों शर्मा रहे हैं सर हाँ जी मेरी पेमेंट तुम देख रही हो यहाँ पे गोविंदा जी के साथ उठना बैठना है हमारा थोड़ा सा टच में रहना लाइव बना देंगे तुम चलो यार निकलो गई सर गई सर हम बहुत मेहनती आदमी हैं सच बताएं अरे सर 16 घंटे काम करते हैं सर हम अच्छा भैंसिया है हमारे तो क्या है 16 घंटे काम करना पड़ता है सोने का वक्त नहीं मिलता है अरे कपूर शर्मा यार आप शो के होस्ट हैं जरा हमारा तारीफ कीजिए बताइए सर को हमारे बारे में सर ये बच्चा यादव है हाँ हमारे बगल में रहते हैं इनका तबेला है अरे सर अब भैंसिया है तो हमारा तबेला है आपकी तरह हमारे पास अगर ऐश्वर्या राय होती तो हमारा भी अलबेला होता इनका फिल्म है अलबेला अरे सर बहुत अच्छी फिल्म है हमने देखा बहुत मजा आया हमको सर हम तो आपके गानों पे डांस करते हैं सर हमें छोड़ दीजिए आप हमारी भैंसिया आपका गाना सुनती है क्या नाचती है सर सर लेकिन आई एम ह्यूज फैन सर मतलब ह्यूज तो दिख ही रहे हैं बट ह्यूज ह्यूज फैन सर आपके सर बचपन में आपके फिल्में देखने के लिए 10 किलोमीटर दूर से हम वीसीआर लाते थे वीसीआर लाते लाते हम थक जाते थे वो वीसीआर आपकी फिल्में चला चला के वीसीआर थक जाता था देख देख के आंखें थक जाती थी बैठ बैठ के पिछवाड़ा थक जाता था लेकिन हमारे जज्बात कभी नहीं थकते सर आपकी फिल्में लगातार देख सकते हैं हम 24/48/72 hours कंटिन्यूस इतना खुशी मिल रहा है सर आपका एक फिल्म आया था आग नाम का तो उसमें प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए थे कि माचिस लगाया था ऐसा ही पूछ रहा है खाली जब तू पैदा हुआ था तो घर वालों ने हाथों में उठाया था कि किसी हाथी ने उठाया था ब्रो आपका ये बात यहाँ नहीं यहाँ लगाए हमको यहाँ सर देखिए आपका एक एक डायलॉग पता है हमें सर हम आपको सच बता रहे हैं कपूर शर्मा आप भी नोट कीजिए बड़े बड़े कलाकार जो अपने मुंह से बोल के बातें बोल नहीं पाए ना सर ने वो बातें आंखों से बोली ये सर मानना पड़ेगा धन्यवाद सर बड़े बड़े कलाकार जो अपनी बंदूक में से गोलियां नहीं मार पाए हैं इन्होंने अपनी आंखों से मारी है अरे बच्चा भैया बहुत मस्त कर रहे करिए ना एक बार अरे करिए खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो बे नचाते ही जा रहे हो नचाते ही जा रहे हो बच्चा तू करने क्या आया यहाँ पे अरे डोनाल्ड ट्रंप हार गए ना तो सहानुभूति प्रकट करने आए अरे क्या करने आए हैं यार गोविंदा जी आए हम मुलाकात करने आए और थोड़ा सा एडवाइस लेना था सर आपसे अच्छा क्या है कि सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम थोड़ा जानना चाह रहे थे करियर में उनको आगे कहाँ ले जाए जरा बच्चों को ले आओ जरा भैया एक बार सर आप बता दीजिएगा सर कि बहुत छोटे हैं अभी उन्हें लाइफ में बनाना है कुछ आगे बनाना तो खा लिया मैंने
इनको क्या बनना चाहता है तू? ये सर, अरे वाह वाह वाह, ये जो हमारा बच्चा है सर, ये हम सोच रहे हैं बड़ा होकर एक्टर बनेगा सर। क्यों? क्योंकि ये सर्दी का बहाना करता है, जुखाम का बहाना करता है, बुखार का बहाना करता है, स्कूल से छुट्टी ले लेता है सर। अच्छा। ऐसी एक्टिंग करता है कमाल की, आपको पता नहीं चलेगा ये एक्टर बनेगा सर। ये तो अपना एक हुआ, ये हमारा दूसरा बच्चा है सर। ये वाला जो है इसको हम डायरेक्टर बनाएंगे। ये डायरेक्टर क्यों बनेगा? ये डायरेक्टर बने क्या करता है सर, अपनी दादी से कहानी सुनता है, फिर उस कहानी में थोड़ा सस्पेंस डालता है, थोड़ा मसाला डालता है, बीच में एक इंटरवल डालता है, बाकी भाइयों को सुनाता है, उनसे 20-20 रुपया ले लेता है। ये तो भी डायरेक्टर ही बनेगा। ये लीजिए सर, ये रहा, ये हमारा ये अगला बच्चा है सर। ये वाला जो बच्चा है इसको हम प्रोड्यूसर बनाएंगे। क्यों, ऐसा क्या? ये भाइयों के पैसे दबा के बैठा है, और जब ये मांगने आते शर्ट उतार के बैठ जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं लूट चुका हूं, मैं खत्म हूं, ऐसा करता है सर। ये लड़का प्रोड्यूसर ही बनेगा सर, और कुछ नहीं बन सकता। शर्ट उतारने से तो बहुत टॉप का आदमी बनता है स्टार। सर ये वाला बच्चा यार, ये हमारा बच्चा राइटर बनेगा। अच्छा लिखता है? नहीं, लिखना विकना छोड़ो यार, 2 दिन तक लगातार भूखा रह सकता है ये। टैलेंट है सर। अच्छा, हर किसी के बस का बात नहीं है। आओ बेटा। और ये वाला जो हमारा बच्चा है ना सर, इसको हम खाली रखेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सारी फिल्में करेंगे ना, ये इनका इंटरव्यू लेगा। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा तुमको इंटरव्यू नहीं देगा। ये देगा, ये लेगा, और ये इंटरव्यू लेके हम सीधा सोनी साहब को देगा। बीच में कमीशन भी हम लेगा, तुमको नहीं देगा। आया बात समझ में? लेन देन वेरी गुड। अब मिडिल मैन बाहर कर रहे हैं सर, बीच में से थोड़ा ऐसा प्रोसीजर रखे हैं थोड़ा ऐसा सर। सर लेकिन जोक्स का एक पिटारा रहता है हमारे पास, एक जोक पेश कर दे। एक बार एक मुर्गी होती है, वो अंडा देती है। अंडा अंडा अंडा, यार बस यार बस, इतना नाचो के भाई। अरे भैया जब तक ना गोविंदा जी हमारे साथ थोड़ा डांस नहीं कर ले। गोविंदा सर तुम्हारे साथ डांस करें? हाँ सर प्लीज। एक अमचूर पाउडर पता है तुमको? हाँ। वो लो, सेंधा नमक लो, गर्म पानी में मिलाओ और ऐसा सुबह सुबह उसको पी जाओ, उससे तुम्हारा कमर दर्द जो है चला जाएगा। पर कमर में दर्द तो है ही नहीं। इनके साथ डांस करोगे तो आएगा ब्रो। इनके जैसा डांस करना सबके बस का बात नहीं है। सर सर एक जोक्स के पिटारे में से एक और जोक है, हम पेश कर दें। हाँ जी। तो सर अगर कोई शहर पानी के अंदर हो तो हम उसे क्या कहेंगे? जलंधर। अरे कमाल है सर आप। अरे यार चलिए ठीक है सर, एक एक बच्चा पकड़ो, चलो एक एक बच्चा पकड़ो। थैंक यू वेरी मच सर, लाइफ में कुछ बन जाएंगे हमारे बच्चे। ले लो ले लो। आ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, चलता है। अरे सर बड़ा खुशी हुआ सर आप। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे थैंक यू। सर अर्चना मैम का एक सवाल था, कहती कि आपके नाम एक साथ 49 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड है, तो कह रही थी कि थोड़ी वित्तीय सहायता मिल सकती है, अगली दिवाली से पहले लौटा देंगे। अच्छा इतने साल बाद मांगा है तो थोड़ा साल और इंतजार कर लीजिए। अच्छा गोविंदा सर को देख के लगता है ना ये दुनिया की किसी भी साउंड पे नाच सकते हैं। तो सर हमारे कुछ म्यूजिशियन दोस्तों ने कुछ साउंड्स बनाई आपके लिए, तो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जी पांडे जी। कुकर की सीटी पे कहाँ डांस होता है यार, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा अच्छा मुझे आदत है कि जो मुझे गाना कहीं भी किसी भी फिल्म का मिल जाता था, मैं मेरा अपना पंच उसमें ऐड कर देता था। आना ही चाहिए। हाँ तो मैं अपना पंच ऐड कर दूँ? हाँ हाँ सर प्लीज। बजा तू ये सीटी बजा, देखा सुस। इसमें तू लोकल ट्रेन का म्यूजिक डाल दे। हाँ अब बजा। वाह 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 वाह, कुछ और हो जाए सर, मजा आना, तो फिर थोड़े लालची हो जाते हैं। पांडे सुनाना एक और कुछ। ये क्या था? ये शायद मेरे जैसी हंसी थी।
मैं मेरा पंच ऐड कर रहा हूँ जी. मेरा अपना पंच ये है कि आप हंसी चलाइए, आप भांगड़ा बजाइए. क्या बात है सर? ये वो हंसी थी जिस हंसी की वजह से मैं जितनी नंबर वन फिल्में थी वो सब फिर बाद में स्टॉप हो गई थी. पता है क्यों? आखिर में ऑफर हो गई थी मुझे पिक्चर हाँ. चुड़ैल नंबर वन. क्या बात है सर? थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा सर, आपने फिल्मों में जितने भी किरदार किए हमने देखा, एक तो ना गोविंदा सर ने जब भी अलग अलग फिल्मों में हंसे हैं वो हंसी हमेशा ही अलग हुई है और किरदार तो अलग पकड़ते ही आप. ये कहाँ से आते हैं सर आपके दिमाग में ये सब किरदार? अरे लोकल ट्रेन में आप धक्के खाइए सब समझ में आ जाएगा क्या क्या हंसी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ जाती है. मतलब ऐसे सोच भी नहीं सकते, ऐसा लगता है कि इसकी सांस ठहर गई है कि क्या हुआ है. ऐसे शख्स मिले थे वो आदमी की हंसी जो है वो कहीं टहलने चली जाती थी, वो घूम फिर के आती थी, फिर ऐसा लगता था कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, हंसी है. टहलने चले गए. कईयों की साउंड नहीं होती हाँ. कईयों की बहुत होती है हंसने की हाँ. कईयों की शुरू साउंड के साथ होती फिर बंद हो जाती है. खतरनाक लोग मिल जाते हैं, कमाल कमाल के. मेरे डैडी के अपने मित्र हुआ करते थे, बहुत शरीफ बहुत अच्छे आदमी, और वो हंस रहे हैं. मस्त है, मस्त है सर, वेरी गुड वेरी गुड. अरुण साहब मस्त है, मुझे लगता है ऐसा हीरो है. चाय 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 हो जाए चाय. सर वो भी तो आप जो बता रहे थे कई लोग बुला के भूल जाते हैं. हाँ ऐसे बहुत हुआ करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं आपका और भूल जाते हैं कि आपको बुलवा के हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने. अरे चिची तेरा फिर वापिस उसको देखा. अरे अरे हाँ नंतर कधी डिस्कस. वो भूल जाते हैं हाँ. कि मैंने मैंने बुलाया था हाँ, मैंने बुलाया था सर. सर जी कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती हैं है ना हर स्टार के बारे में, तो अब पता नहीं, हम इसलिए कंफर्म करते हैं सामने से. एक आपके बारे में हमने अफवाह सुनी कि जैसे आप एक्सप्रेशन में मास्टर हैं, तो अफवाह ये है कि आंखें फिल्म जब आप कर रहे थे तो जो छोटा बंदर जो आपके साथ काम कर रहा था उसको आपने इतने एक्सप्रेशन सिखा दिए कि पैकअप होने तक वो इतना कुछ सीख गया था कि वो चाय भी ऑर्डर कर देता कटिंग ऐसे. तो ये बात सही है सर? एक ऐसी अफवाह जो बाहर आ जाता तो बहुत ही खतरनाक था. कौन सी? उस फिल्म में ऐसी ऐसी अफवाहें थी. उसमें बंदर तो खैर वो तो इतनी शराब पीता था कि पूछो नहीं. बंदर शराब? हाँ 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 सर. मतलब हम लोग के सेट में इतना ज्यादा खतरनाक वो मतलब वो आइटम था हुआ करता था, तो वो अपना एम भूल जाता था कि वो कहाँ मतलब का जंप कहाँ लगाए. अच्छा. तो उसे वो समझाया करता था साउथ में आके लैंग्वेज में जंपा जंपा, तो वो उसका एम चुक के कहीं वो चंकी की तरफ निकल जाता था. कभी किधर जा रहा कभी किधर जा रहा पता ही नहीं चल रहा है. और वो मुझे लेके आगे ही निकल लिया तो मतलब के सर पटक जाता, तो मतलब के सर फट जाता. तो मैं कहा यार ये कितना शराब पीता है, इसे बंद करवा इसकी शराब.
कि क्या लगा के रखा है, ये चलेगा नहीं मेरे साथ, तो इसकी शराब बंद करवाई मैं, एक्सप्रेशन कहाँ से निकलेंगे, इतना खतरनाक था वो। फिर शराब के सीन के बाद वो एक सांप का सीन चल रहा था। अच्छा। तो सांप का सीन ये था कि सांप धोती में से जाता है और यहाँ से ये गर्दन के पास से बाहर आता है, ऐसे पीछे से, अब वो ऊपर आता ही नहीं है। वो इधर उधर फहलाल, वो सांप बाहर निकला जी, बाहर निकला, शॉर्ट हो गया, सेट पे तालियां। डेविड यार क्या चिच्ची यार, डरता नहीं है, कमाल कमाल चिच्ची यार कमाल। अच्छा डेविड शॉट छोड़ के भाग जाता था, मतलब कि ये, हाँ उसे डर लगता था कि ये कहाँ से ऐसे शॉट दे रहा है। अब आया, हो गया हो गया, वेरी गुड, ये चिच्ची तो कर, चिच्ची का प्रॉब्लम नहीं है, कमाल है। अब नेक्स्ट शॉट में शॉट बहुत ही ऐसा था कि वो उठा के मैं उसे सांप ऐसे फेंक दूँ उसे, तो ऐसे सांप फेंक रहे हैं, इतने में तो सांप ने टर्न किया और मुंह खोला, टे अंदर देखा मैंने दांत है इसके, तो असगर इधर आ, क्या ये सांप के मुंह में दांत है, तू मुझे कह रहा था टेप लगा है, आई लाइट टैगर टूट गया क्या। आई केम ऑन अ शूट और गड्ढा खोद के रखा हुआ था उन लोगों ने, और वो सब बहुत सारे वो मगरमच्छ वगैरह सब ला के रख रखे थे उन्होंने, कितने सारे पता नहीं। तो बहरहाल वो रस्सी लगाई हुई थी, मैं यहाँ से उधर उस तरफ निकल जाता हूँ, तो और मैं दिखाने में चला गया उस तरफ, जब निकला हूँ तो आके फाइट मास्टर ने मेरा कान पकड़ लिया, अरे क्या रे तू बहुत दुस्त समझता है, हाँ दिखने के तेरे को दिखने के, मतलब साउथ के थे वो, रस्सी खींची रस्सी टूट गई, तो रस्सी टूट गई तो मैंने सोचा यार, हाँ उसे थोड़ी थोड़ी ना मालूम है तू स्टार है करके, क्या लगा के रखे तुम लोगों ने। तो ये हाल हुआ करते थे। oh मगरमच्छ को क्या पता कि हाँ थोड़ी है कि गोविंदा है। हाँ। वो तो क्लैपिंग कर देगा। क्लैपिंग पता नहीं क्या क्या कर देगा। बहुत ही खतरनाक माहौल था। महाराजा पिक्चर में हाथी लेके मुझे निकला है और निकल ही गया। हाँ हाँ मैं शाम में आया फिर। अरे यार आदमी घोड़ा है तो उसे ठहराए समझाए, हाथी को कौन रोके, न्याय न्याय लेकिन निकल लिया। अच्छा एक अफवाह ये आपके बारे में सर, कोई अगर आपको फिल्म का नरेशन देने आया राइटर, तो आप जॉगिंग करते हुए कहानी सुनते हैं, अगर तो आपको पसंद आ गई तो आप थोड़ा धीरे चलने लगते हैं, और अगर आपको कहानी नहीं पसंद आई फिर आप तो तेज जोर से आगे निकल जाता हूं कि फिर राइटर ढूंढता रहता है कहां गए। जिसे ऐसा लगे कि इसकी फिल्म नहीं कर सकता तो उसे वॉक के लिए बुलवा लो साथ में, कि इसकी फिल्म नहीं करेंगे तो वॉक करवाते हैं। तो मालूम है रात में पीने का शौक है, तो ये जो पहले तो पंजाबियों के तो लुंगियाँ आ जाती थी बाहर निकल आती थी, कुर्ते पहन के सेंट लगा के आ जाते थे, और किया ले आजा, तो फिर हो जाए, मैं कहा हाँ हो जाए वॉक, आ जाओ मेरे नाल वॉक करो, तो आ जाओ, तो वॉक करने पे ले जाता था मैं फिर। फिर मुझे ऐसा लगता था अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद ना हीरो के साथ में ये हो जाता है, मैं बोला अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद हीरो के साथ ये हो जाता है, मैं बोला तो फिल्म बनाने आया कि हीरो की सुपारी देने के लिए आया है। मैं तो रनिंग करके निकल जाता था। तो यार तू कितने मैं हो गया, ऐसे ही है आपका स्टोरी ऐसी थी। अच्छा एक अफवाह ये है सर कि जब आप नए नए फिल्मों में आए और बहुत सारे पैसे आने लगे आपके पास, तो आपके दिमाग में ये आया कि मुझे 100 ट्रक और 100 रिक्शा खरीदने। मैं इतना तकलीफ से निकला था लाइफ में कि मुझे ऐसा डर लगता था कि हम फिर कभी गरीब हो गए तो बहुत दुखद हो जाएगा, मतलब कि जिस तरह से मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया था, शादियाँ की थी सभी बहनों की, तो फिर वो इतना ज़्यादा मैं डर गया था गरीबी से, तो मेरे दिल में ना ये लगा रहता था कि चाहे जो बिजनेस शुरू हो जाए मुझे परवाह नहीं है, काम करिए, काम कभी खराब नहीं होता है, जो काम है वो सब अच्छा ही है, काम मिला है धन्यवाद दीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे मैं कहा करता था, ऐसी बहुत सी चीजें मैंने कही हैं, ये सच है। मुझे परवाह भी नहीं है सब सच की। जिस वक्त गरीबी आती है तो हम लोगों को बहुत साल ऐसा हुआ करता था के दाल में दूधी दाल में पालक दाल में दूधी दाल में पालक, जिसमें ऐसा लगता था कि अब पूरा खाना मिला है आज, तो उस ऐसा लगता था कि आज आज दिवाली हो गई, लग्जरी आइटम हो गया आज। फिर ऊपर वाले ने ऐसा टाइम दिखाया कि बच्ची जी जब पहली बार तुम्हें अच्छा पैसा मिला फिल्म मिली तो क्या किया उस पैसे के साथ? अर्चना जी मेरा मकसद
ये जो आम लोग जो है उनकी सोच जो है उससे एकदम अलग हो गया था। अच्छा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेरे घर परिवार में इतने ज़्यादा सुखी कर दूँ हर व्यक्ति के कि आगे जाके कभी ये तकलीफ ही नहीं तकलीफ ना हो। तो मेरा ना थॉट उसी पे लगा रहता था कि ये कामयाब हो जाए फिर ये कामयाब हो जाए ये कामयाब हो जाए, तो मैं उसी में ना लगा रहता था। तो वो मुझे सूट किया। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है ना, आपका जब बैड पैच चल रहा हो ना तो आपके साथियों का बैड पैच नहीं हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। हाँ। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपके घर परिवार के अंदर आप एज अ हीरो काम कर रहे हैं तो ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो हीरो को हीरो बनाने वाले जो उनके पीछे होते हैं वो हुआ करे। तो ऐसा मेरे घर परिवार ने मेरे साथ उस टाइम पे बहुत साथ दिया जितना वो दे पाए। आई थिंक वो बहुत है, उसका धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करते रहिए। देयर आर सो मेनी हीरोज बिहाइंड वन हीरो। क्या बात है। बिल्कुल। सो मेनी हीरोज बिहाइंड वी शुड बी थैंकफुल टू देम आई स्वेयर। अभी थोड़ा सा म्यूजिक आप लोगों ने छेड़ दिया उस टाइम पे, ये क्या है, ये हीरो ही है आई स्वेयर। आई फील कि ये देखिए ये हीरो का दिल होगा तो ऐसा म्यूजिक निकलता है बाहर। और पब्लिक में कितने ऐसे लोग होते हैं जो वो हीरो की तरह ही होते हैं, तभी तो हीरो के थॉट पे, हीरो के एक्टिंग पे, हीरो के किए हुए काम पे वो लोग के दिल से ताली निकलती है। बिल्कुल। तो दे ऑल आर हीरो एट देयर प्लेसेस आई फील। मुझे तो हर जगह हीरो नजर आता है और जहाँ विलन नजर आता है वहाँ पे भी आँख ठहर जाती है, कहीं किसी दिन मिल गया ऐसा किरदार तो फिर पक्का निभाऊंगा मैं। इंट्रोडक्शन तो करवाओ गोविंदा सर से। सर ये हमारे शो के दो सबसे इम्पोर्टेंट कामचोर आर्टिस्ट हैं। हाँ, काम एक ढंग का नहीं करते ये, कपड़े और मेकअप पे चैनल का हजारों रुपए खर्च करवाते हैं ये। खर्च नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस को चार चांद लगे। हाँ। और तुम्हारे शो को 10-12 स्पॉन्सर्स और लगे। वैसे सर ये है चंदू एंड मायसेल्फ भूरी, कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? पेशकश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पेशकश नहीं लगी। ये बड़ा नेचुरल लगा, बहुत बहुत बड़ा। और आपके ड्रेसेस से पता लग रहा है कि इन लोगों ने आपका क्या हाल कर रखा है। ये तो फैशन है। वो क्या है फैशन? सर ये मजदूर का हाथ है। ये क्या, अगर किसी पार्टी का इनवाइट आ गया तो इस तरफ से पार्टी चला जाता है, उस तरफ से बैंड भी बजा लेता है। अच्छा, ब्रास बैंड। इनकी एक बड़ी अच्छी चीज है सर दोनों की, जैसे आप जो मन में आए बोल सकते हो, अगले हफ्ते फिर बेशर्मों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। बेशर्मों की तरह क्या? अरे इसे गलत नहीं सोच तू, ये तारीफ है। हाँ ये तारीफ है, बेशर्म। हाउ स्वीट। थैंक यू सर। मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है तेरे साथ, जो मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं तुझे, इसलिए कि टांग खींचना बड़ी चीज नहीं है, खिंचवाना बहुत बड़ी बात है। अरे अरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। चार्ली चैपलिन तेरे से पहले ये किया करते थे, मिस्टर बीन किया करते थे, अब तेरी बीन बजाई जा रही है। हाउ लकी यू आर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो किसी की इंसल्ट पे किसी का घर चलता है, हाउ स्वीट। और हमें बोलते रहते हैं शो ऑफर हो रहे हैं, मैं शो तुम शो इनको बताऊं सर कौन से चौपाटी पे ये बंदर बंदरियों का खेल दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, शो दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये इनके पास बंदर है भी नहीं। नहीं है ना, एक दूसरे ना खुद ही इंजॉय कर लेते हैं। टॉप पे कैसे आएगा, तू पलटी नहीं मारता। वैसे सर क्या है ना, हम दोनों ना एक्चुअली आपकी जो फिल्म ना राजा बाबू उससे बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत ज्यादा। ये तो खाली सर फिल्म से इंस्पायर्ड है, मैं तो रियल लाइफ में भी राजा बाबू बनके घूमता सर। मेरी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है सर, मैं थोड़ा खानदानी अमीर भी हूँ। अच्छा। खानदानी अमीर है। उस दिन ये जा रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हो रहा था, पुलिस ने चेक किया, इसके मुंह से पनीर की स्मेल आई, फिर भी इसको रिमांड पे ले लिया। तेरे पास पनीर खाने के पैसे कहाँ से आए? सर ये ना एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको हो जाता, गलत फहमी हो जाती है, वो रिमांड नहीं थी सर, वो डिमांड मेरी बड़ी है। वो जो जेलर साहब है ना जेल के, वो मेरे बड़े फैन है सर, वो बुलाकर चुटकुले सुनते रहते हैं सर। हाँ, और जब तक उनको हंसी नहीं आ रही तब तक ये बाहर नहीं आ सकता। कभी कभी तो 5 मिनट के लिए जाता है, 3-3 महीने बाद आता है। चंदन नाम है ना इसका। हाँ। बिना बात के घिसे जा रहा है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे गोविंदा सर बैठे और तुम दोनों कैसी बातें लेके शुरू हो गए हो?
सर आपकी फिल्म है ना हसीना मान जाएगी, उसमें हम कैसे करिश्मा जी के पीछे पड़े थे, तो वैसे ना कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो गाने लग जाते हैं, व्हाट इज मोबाइल नंबर करूं क्या जाए, बस बस इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने आगे बात करो। तो वो क्या है ना, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं, कैसे मतलब हल निकालूं। अरे तेरा नंबर इसलिए मांगते हैं, खुद ही तो साइड बिजनेस तेरा बिल्डिंगों में जो ब्रेड और अंडे सप्लाई करती है वो भी तो इसलिए मांग लेते हैं। वो पूरी गुस्सा क्यों कर रही है यार, मैं तो वैसे उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा उसको रिस्पांस दे रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट को पुश करो तो वो थोड़ा और अच्छा करता है। देखो मैंने पुश कर करके अमृतसर से मैं उसको बॉम्बे ले आया। आज लड़के का अपना शो चल रहा है, जोरदार तालियां कपिल शर्मा के लिए। और तुझे भले काम दे या ना दे, तेरे भांजे को जरूर देगा। नहीं सर, वैसे मेरी प्रोफाइल आप देखिए और मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, मैं तो आज भी कहता हूँ कोई मुझ पे पैसे लगा देना तो 100 करोड़ की ओपनिंग कहीं नहीं गई। मैं तो कहता हूँ तेरी अगर बनियान हम देख लेना आज, 100-200 रुपए की ओपनिंग तेरी अभी लग सकती है। सर आप तो पूरी दुनिया घूमे हो तो आपको पता ही होगा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मेरी बात सुन, तुम वैक्सीन की बात कर रहे हो और तुम्हारी फंबल की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा दूर करो। वैक्सीन नहीं, वैक्स बोलो, वैक्स। वैक्स? मेरे वैक्स के पुतले बनेंगे और वो मैडम तुषार के ऑफिस में लगेंगे। मैडम तुषार के ऑफिस नहीं, मैडम तुषार। तो मैंने पुतला बनाना, कौन सा पैन कार्ड बनवाना जो मैं उनको स्पेलिंग बताऊंगा। बस तू यही काम नहीं कर लाइफ के अंदर, तू पुतले नहीं भेज, दैट्स इट, दैट्स इट। तू जब वरना तू जहाँ घिस रहा है ना, तू घिसते ही रह जाएगा। आप इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इनका बचपन अभी तक नहीं गया है। हमारा बचपन नहीं जा रहा, इसकी जवानी नहीं आ रही। वेरी गुड, आई लाइक दैट। और कितनी जवानी चाहिए तुमको, कितनी? ये क्या जवानी है? चॉकलेट इतनी खाती सर, दांतों में कीड़ा लग गया इसके। क्या कीड़ा? कोई कीड़ा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कैविटी। अर्चना मैम, कैविटी, लिटिल बिट ऑफ कैविटी। कीड़े को कैविटी कहो, कीड़ा शकीरा नहीं बन जाएगा, कीड़ा कीड़ा ही रहेगा। सर एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलकर लोग अपने आप को हाई फाई बढ़ा देते बताते हैं। बताओ, हंसने वाली बात होती है, लॉल कह के खत्म कर देते हैं, लॉल। बताओ ये कोई बात है सर? बताइए ना। ऐसे सर देखो, किसी का हालचाल पूछना उसको कह रहा व्हाट्सअप। सर लगता है कि हालचाल पूछा है, ऐसे लगता है जिप बंद करने को कह रहे हैं, जिप बंद करो। सारी आइटमें हो गई टोटल जितनी लाए थे। चलो चलो फिर अभी निकलो, सारी आइटमें हो गई। ऐसे कैसे निकलो सर, हम जो मेन बात कर रहे थे वो तो बोलते नहीं हो तुम। सर क्या है ना, चंदू और मैंने मिलके एक एक्टिंग स्कूल खोला है, भू चंद एक्टिंग एकेडमी। हाँ सर। हाँ जी। तो बस सर वो एकेडमी हमने शुरू की है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद देने का मन नहीं, आप आटा भी दे सकते हैं इनको। यार आटा वो जेब में डालकर घूम रहे हैं, आटा हम उनके घर से ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। आटा तो तू निकाल चुका आते ही, तेरी स्टेप वही थी ना। तो सर आप सिर्फ एक फोटो खिंचवा लीजिए। सर सर फोटो नहीं, बिल्कुल नहीं खिंचवानी, इन्होंने आपकी फोटो लगवानी बाहर और बच्चों को ये लूटेंगे ये बोल के कि गोविंदा सर सिखाने आते हैं यहाँ पे। फोटो तो मैं खिंचवाऊंगा अलग अलग, तुझसे अलग, इसके साथ अलग। क्या बात है, देख लो अपने हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए वो देखो हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और वो हमारे अपने होकर हमें सिखाने नहीं आ सकते। तेरे तो अपने जो खुद के अपने हैं तुम्हारे पेरेंट्स, उनका नाम इसने आधार कार्ड पे लिखवाया, वो कहते हैं हम चार्ज करेंगे इसका। सर दिस इज बिजनेस, वो बिजनेस माइंडेड है। वो तो चलो पैसे लेते हैं, ये तो अपने घर में जाता है, एक घंटा बात करता है, उसके बाद कहता है अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मुस्कुराते रहिए द कपिल शर्मा शो। ये क्या है सर, इन दोनों का ना ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे। भूरी जब तक हमारा चल रहा है तो तुम्हारा भी चल रहा है। इसलिए उधर मेन बात बताओ भूचंद एकेडमी के बारे में। तो सर क्या है ना, हमारे एकेडमी में 6-6 महीने के सेमेस्टर्स हैं, तो फर्स्ट 6 मंथ्स हम थ्योरी सिखाते हैं बच्चों को और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो प्रैक्टिकल, हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे स्टेज को संभाले। इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है, सीधे मेरे क्लिप्स दिखा दो। सर विजुअल देखकर बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं चीज को। सुन बात मेरी चंदू, रेलवे की भर्ती निकली है, फॉर्म भर दे। ओके कुछ नहीं करना है, ये सर्दियों के दिनों में फॉग बड़ी होती है ना, इंजन के आगे बैठना डंडा लेके। सर गोविंदा सर, अभी मैं एक्टिंग में थोड़ा सा आया था, इसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। और फल तुमने इतने बड़े बड़े रखे हैं, दिल तुमने इतना सा रखा है। सर आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए बस। मैं तो कहता हूँ मुंह पे भी रख दो। सर आप मुझे अपना चेला लॉन्च कीजिए सर, और कॉमेडी में मुझे ऐसा तैयार कीजिए मैं इसकी छुट्टी कर दूँ सर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड।
गुड थॉट, थॉट अच्छा है लेकिन होगा कैसे समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, आप कुछ भी कर सकते हो। तेरी ना प्रॉब्लम है यार, तू अकेली एक मुझे जान रखती है और ऐसा है तेरे ना पीछे पूरी इंडस्ट्री पड़ी हुई है। तेरे साथ ही नहीं, वर्ल्ड के जितने टॉप के एक्टर हैं उन सभी के साथ ऐसा हो चुका है, तो तू यही सोच के ना खुश हो लिया कर। यू नो पीपल आर जेलस विद यू। सही बात है सर, दे फील वेरी सैड। तेरी एक्टिंग इतनी कमाल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, रिलैक्स, कूल डाउन। थैंक यू। मैं बस सर ये थोड़ा सा मेरे को करने नहीं देता। अरे तुमको 7-8 जन्म लग जाएंगे गोविंदा सर तक पहुंचते पहुंचते। एमी थोड़ी ना सर को हीरो नंबर 1 कहते हैं, क्यों मैम? एब्सोल्युटली। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सर आप ऐसे ही आते रहिए सर और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। मैं तेरे साथ जो कर लूं मार्गदर्शन नहीं करूंगा तेरे। सर आप देखना, एक ना एक दिन मैं आपका नाम जरूर चमकाऊंगा सर। अच्छा, धन्यवाद, लव यू। पहले तो इनकी गाड़ी लगी है बाहर, वो चमका। फिर हम आते हैं बाद में, देखते हैं बाद में क्या करना है। सर आशीर्वाद दीजिए प्लीज। सीरियसली सर, आई लव यू सर। लव यू, थैंक यू सो मच डार्लिंग। ओके गॉड ब्लेस। कल आया, बच्चे वेट कर रहे हैं पीछे। क्या, किसके बच्चे? ओए आजा यार, किसके बच्चे? आजा यार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।